8 नवंबर को एक सभा हुआ था इलेक्शन कमीशन के साथ, वहाँ पे वहाँ पर हमारे पार्टी की तरफ से हमने साफ कह दिया है कि फ्री एंड फेयर वोटिंग होना पड़ेगा, चाहे यहाँ पेट्रोल कोर्सेज रहे कैसे भी रहे, क्योंकि बायलेक्शन भी वायलेंस हुआ, म्यूनिसिपलिटी इलेक्शन भी वायलेंस हुआ। देखिए लोकतंत्र में जनता महान होगा और भारतीय जनता पार्टी अगर जनता से ही डर गई है तो काहे की पार्टी है। उनके साथ नरेंद्र मोदी जी भी है, उनके साथ अमित शाह है, गृहमंत्री है, फिर भी वो लोग मतदाता और मतदान से क्यों डरते हैं सवाल के। तो ये भारतीय जनता पार्टी मतदाता और मतदान से इसलिए डरती है क्योंकि वो मुंह के बल गिरने वाली है। त्रिपुरा राज्य के लोग भारतीय जनता पार्टी को बेइज्जती करके यहाँ से निकालेंगे क्योंकि उन्होंने विश्वासघात किया है। इसलिए वायलेंस को रोकना इलेक्शन कमीशन का कर्तव्य है और हम उनको मजबूर करेंगे चाहे फिर वोट जाना पड़े ताकि यहाँ पर फ्री एंड फेयर चुनाव हो। देखिए लॉ एंड ऑर्डर मेरा मानना है त्रिपुरा राज्य में इतना टूट चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मानिक शाह, उनका कुछ कंट्रोल ही नहीं है। उनके ही पार्टी के बदमाश, बीजेपी के ही बदमाश और बीजेपी के ही पंचायत के इलेक्टेड प्रतिनिधि लोग जो एक्टिव मेंबर्स है भारतीय जनता के, वही लूटपाट कर रहे हैं, वही दुकान तोड़ रहे हैं, वही रेप कर रहे हैं, एफआईआर करने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, हमारे युवा नेताओं की दुकानों को तोड़ा जा रहा है। तो डॉक्टर मानिक शाह त्रिपुरा के जनता के मुख्यमंत्री नहीं है, वो गुंडा राज के मुख्यमंत्री। तो इस मुख्यमंत्री को परिवर्तन करके बिठाने का कोई मतलब ही नहीं है। विप्लव देव को हटा के डॉक्टर मानिक शाह को बिठाया तो त्रिपुरा राज्य के लोगों के भविष्य में कोई अंतर नहीं आया और न वर्तमान की परिस्थिति में कोई अंतर आया। ये निकम्मी सरकार है, मुख्यमंत्री एक डॉक्टर है। मैं व्यक्तिगत तरफ से व्यक्तिगत कोई ऊपर आक्रमण नहीं करूंगी, पर मुख्यमंत्री होने के नाते वो बिल्कुल जीरो है।